हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम पोरियम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आ गए हैं हम क्लास 10 AFO का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस के लिए। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आप सभी को देखना है। तो चलिए, ज़्यादा समय लेते ना हुए हम सेशन को ही स्टार्ट करते हैं। बस एक बात बता दें आपको कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना होगा, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका मैं आंसर भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ आ चुका है कि द साइंस ऑफ मलबेरी कल्टिवेशन फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज, रेशम उत्पादन के लिए शहतूत की खेती का विज्ञान है। तो यहाँ पर जो शहतूत की खेती, जो सिल्क के लिए जो खेती की जाती है रेशम उत्पादन के लिए, तो यहाँ पर उस साइंस को या फिर उस कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो मलबेरी कल्टीवेशन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उसे कहा जाता है मौरी कल्चर। मौरी कल्चर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मलबेरी कल्टीवेशन को आप कहा जाता है मौरी कल्चर। वहीं पर अगर एपिकल्चर की बात करें तो एपिकल्चर जो है आपका जो मधुमक्खी पालन होता है उसको कहा जाता है एपिकल्चर। इसे जो है एक और नाम से जाते हैं जाना जाता है, उसे कहते हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग, बी डबल ई के डबल ई पी आई एन जी, उसे कहते हैं बी कीपिंग। ये भी आपको लिखा हुआ कहीं कहीं मिल सकता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और वहीं पर अगर सेरीकल्चर की बात करें तो इसमें जो है आपका जो सिल्क होता है उसके लिए किया जाता है, उस प्रोडक्शन को कहा जाता है। और वहीं पर जो है जो आर्बोरी कल्चर है, यानी कि जो लास्ट वाला है आपका, इसमें क्या किया जाता है, जो ट्री होते हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं, श्रब होती हैं, वाइन्स होते हैं, और जो पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं, ओडी प्लांट्स होते हैं, उनके जो प्रैक्टिस है, यानी कि उन वो कैसे ग्रोथ करते हैं और उनमें क्या क्या प्रैक्टिस होती हैं, उन सब के लिए जो है यहाँ पर जो है आर्बोरी कल्चर को जो है यूज़ किया जाता है। उस साइंस को क्या कहते हैं, आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि द एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाई विलियम कैरे इन कोलकाता इन द ईयर। यहाँ पे आपको याद कर रखना है कि एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है उसको जो है इंडिया में किसके द्वारा फाउंड किया गया था, विलियम कैरे के द्वारा। और ये कहाँ हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। और ये कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1820 में जो है इसको जो है इस्टेबल किया गया, फाउंडेड बाई विलियम कैरे के द्वारा ये जो है अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जियो मनरेगा इज एसोसिएटेड विद, यानी कि ग्रामीण विकास पहल जियो मनरेगा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसरो, या नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, या ऑल ऑफ एवव, ऑल ऑफ द एवव। तो इसका आंसर जो है, आंसर बताने से पहले इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जैसे है मनरेगा, तो मनरेगा जो है इससे इसका भी कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, या फिर ये कह देता है ये कब जो है लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर मनरेगा की अगर बात करें तो मनरेगा का नाम है, पूरा जो नाम है वो है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये जो है आपका जो लॉन्च हुआ था ये 2005 में आया था। तब से जो है ये पहले जो है नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद जो है इसमें इसे मनरेगा के नाम से इसे जो है जाना गया। और ये कब आया, वो 2005, ये एक्ट कौन सा था, 2005 का था। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक्ट 2005। और वहीं पर अब अगर आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के तीनों जो हैं वो सभी इसके ही एक इसी के पॉइंट हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, नीचे जो ऑप्शन है इन चार में से वो कौन सा है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, यानी कि वो उसके साथ में मैच नहीं करता। जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज के लिए, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए, सिल्वर रिवॉल्यूशन एक्स प्रोडक्शन के लिए, और रेम्बो रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये है, अब एलिमिनेशन अगर कर लेंगे तब भी आप आंसर यहाँ पे बहुत ही ईजिली
कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं पता है। तो यहाँ पर ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो फिशरीज बिल्कुल सही है, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन बिल्कुल सही है, सिल्वर रिवोल्यूशन एक्स प्रोडक्शन ये भी सही है। तो ऑप्शन अब एक ही बचता है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ होगा, रेनबो रिवोल्यूशन जो है हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ये संबंधित किससे होगा रेनबो रिवोल्यूशन, तो ये मैं आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसको आंसर जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा दोस्तों। तो आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताएंगे कि रेनबो रिवोल्यूशन जो है कौन सी कौन किससे जो है ये संबंधित है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए जो है जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रूटफुल हैं, हेल्पफुल हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है मालूम हो कि AFO मेंस की क्लास जो है रेगुलर बेसिस पे चल रही है। और सेशन को जो लाइक करना है, कमेंट जो मैं आंसर क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर भी आप सभी को करना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सॉयल फाउंड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात, यानी कि जो नॉर्थन गुजरात पार्ट, गुजरात का जो नॉर्थन पार्ट है उसमें कौन सी सॉयल पाई जाती है। तो दोस्तों आंसर से पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं और जो इसे शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करके आंसर करते हैं, तो मुझे भी जो है मोटिवेशन, मैं भी मोटिवेट होता हूँ आप लोगों से, और मेरी और भी इच्छा होती है कि आप लोगों के लिए और भी कुछ अच्छा करूँ। तो चलिए आंसर करते हैं, इसके पहले अच्छा अगर आंसर करेंगे ये भी बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर एलुवियल सॉयल जो है गुजरात का जो नॉर्थन पार्ट है वहाँ पर कौन सी सॉयल जो है सबसे अधिक जो है पाई जाती है, वो है एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल यानी कि जो रिवर्स होती हैं, जो रिवर्स के साथ में जो सॉयल जो है उसके साथ में बह के आती है, उसके पानी के साथ में जो वाटर फ्लो होता है उसके साथ में जो सॉयल आता है, उस सॉयल से जो सॉयल बनती है उसे ही क्या कहा जाता है, एलुवियल सॉयल हिंदी में, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं हिंदी में, कछार मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो एलुवियल सॉयल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज लेग्यूम रूट न्यूडल बैक्टीरिया इज, यानी बैक्टीरिया को फली जड़ न्यूडल बैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जो इसमें जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है, राइजोबिया जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो ये जो आपका लेग्यूम रूट न्यूडल है बैक्टीरिया, ये कौन से नाम से जाना जाता है, ये राइजोबिया जो बैक्टीरिया है उसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, अब फिर से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उस पेयर को बताइए जो यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पर फिर से आप जो है एलिमिनेशन लगा लीजिए और आंसर इजी आसानी से कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है, और अगर पता है तो आप डायरेक्ट उसी पे जो है उसे टिक कर दीजिए। तो चलिए एलिमिनेशन करते हैं यहाँ पर कि इसको हम कैसे जो है एलिमिनेट करें। तो यहाँ पर जो है पहला दिया है वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे होता है वो 22 मार्च को ही होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये तो सही है। उसके बाद वर्ल्ड फूड डे होगा यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दीजिए वर्ल्ड, अब ये बताने कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर लिखा हुआ है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद है वर्ल्ड मिल्क डे 5 जुलाई लिखा है, कन्फ्यूज़न है इसमें। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर आपका एक ही बचता है, वो है ऑप्शन थर्ड, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो 5 जुलाई को ना होकर वो अब कब होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो होता है दोस्तों आपका 1 जून को, कब होता है वो 1 जून को होता है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो अब बात करें कि जो 2019 का जो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी जो है थीम क्या थी, इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि थीम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो थीम जो थी इस बार की वो थी ड्रिंक मिल्क टूडे एंड एवरीडे, ये आपको याद रखना, बहुत छोटी सी है और पूछने के बहुत चांसेस है इसके, ड्रिंक मिल्क टूडे एंड एवरीडे, एवरी डे,
इसे आपको याद रखना होगा, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार, हैविंग लीस्ट टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज, यानी कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जहाँ की लिटरेसी सबसे कम थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, काफ़ी पहले, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ। तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, यहाँ पे बिहार जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी को पता था लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इज सूटेड, यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके जो है वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उनके उनके जो है ये याद रखना होगा कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ सूटेड हैं, उस प्लेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ये कहाँ पर है, रांची झारखंड में है। ये का उसका जो सिटी है वो रांची है, और स्टेट की बात करें तो झारखंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हुआ ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक है यहाँ पे आपको फिल करना है, इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप फ्रॉम द स्टेबल्स ऑफ प्रीवियस क्रॉप, कहने का मतलब जो पिछली क्रॉप होती है उसका जो स्टेबल होता है उससे जो फसल उगाने का जो प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, तरीका है, उसको किस नाम से जाना जाता है, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर आप एलिमिनेशन का मेथड फॉलो करते हैं। यहाँ पे दे रहा है, क्या बात कही है कि पिछली क्रॉप जो है, नहीं, प्रीवियस क्रॉप का जो स्टबल होता है उसके उससे जो है जो क्रॉप ग्रो की जाती है स्टबल के हेल्प से, उसे क्या कहते हैं। तो मल्चिंग तो होता नहीं है, मल्चिंग तो आपकी जो होती है वो जब आपकी जो है क्रॉप हो रही, क्रॉप ग्रो हो जाती है यानी कि कल्टीवेट कर दी जाती है, उसे सोइंग कर दी जाती है, उसके बाद ये होती है। उसके बाद हार्वेस्टिंग तो सबसे लास्ट का है, और नीपिंग भी नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सेकंड होता है, रातूनिंग उसे कहते हैं। रातूनिंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिक्लाइन इन सॉयल क्वालिटी ड्यू टू इम्प्रॉपर लैंड यूज़ और अथवा पुअर मैनेजमेंट यूजुअल फॉर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल और अर्बन पर्पस इज नॉन एज, यानी कि कृषि औद्योगिक या शहरी उद्देश्यों के लिए अनुचित भूमि उपयोग या सामान्य प्रबंधन के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट को निम्न रूप से जाना जाता है। तो ये जितने भी जो है यहाँ पर प्रोसेस बताए गए आपको यहाँ पे चीज़ें क्या क्या बताया गया है, इम्प्रॉपर लैंड यूज़ यानी कि लैंड का जो है यूज़ जो है इम्प्रॉपर तरीके से करना, या पुअर मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजमेंट है, रख रखाव है, वो पुअर है, ख़राब है एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, इंडस्ट्रियल और अर्बन पर्पज़ जो होते हैं इनको कौन से नाम से जाना जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, सॉयल इरोजन या फिर सॉयल सेलिनिटी, सॉयल टॉक्सिसिटी, या फिर आपका क्या होगा, सॉयल डिग्रेडेशन। तो सॉयल इरोजन में क्या होता है आपका, इसमें तो जो होती है आपकी सॉयल क्या होती है, वाटर फ्लो से क्या होता है, यहाँ पर सॉयल का जो है वो कटने लगती है यानी कि उसमें जो है इरोजन होने लगता है, तो उसे सॉयल इरोजन कहते हैं। सेलिनिटी क्या होती है, वहाँ की सेलिनिटी बढ़ जाती है तो वो सेलिनिटी। टॉक्सिसिटी तो यहाँ पर जो है डिक्लाइन इन सॉयल क्वालिटी यानी कि सॉयल क्वालिटी में जो है कमी आ रही है ना, तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पर, सॉयल डिग्रेडेशन। उसमें क्या होता है, सॉयल डिग्रेडेशन जो होता है उसमें क्या होता है, सॉयल की क्वालिटी जो होता है उसमें जो है डिक्रीज होने लगती है, जिसे कि कहा जाता है डिग्रेडेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी इज, यानी कि अब अधिकतम जल उपयोग दक्षता वाले पौधों का समूह कौन सा है, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स या नन ऑफ दिस। तो आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, थर्ड होगा यहाँ पे, कैम प्लांट्स, CAM प्लांट्स जो होते हैं इनकी जो है सॉयल जो वाटर को जो है वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो आंसर यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा, कैम। अब इसको जो है कैम, यहाँ पे कैम ही नहीं है, इसका भी कुछ नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म है कैम आपका। तो CAM क्या है,
तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको याद रखना होगा, ग्रैसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ये आपको क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे जो है आपको इसका पूरा नाम भी याद रखना होगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज अ टर्म यूज्ड अंडर UNFCCC फॉर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो है UNFCCC के तहत इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आंसर इसका क्या होगा, तो हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर नेशनल गोल्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसका क्या है, ये जो UNFCCC है आपका, ये इसका गोल क्या, नेशनल गोल्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो नेशनल गोल है उसी उसमें क्या आता है आपका जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है ये इस जो UNFCCC के अंडर में रहता है। तो ये किस पे यूज़ करता है, तो वो कौन से जो नेशनल गोल्स उनका क्या रहता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पर ये यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोको प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, इंडिया में जो कोको का प्लांट है वो कहाँ से आया, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फोर्थ है, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एज पर 20th लाइव स्टॉक सेंसिस द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज, यानी कि जो 20वीं यानी 20th लाइव स्टॉक सेंसिस जो है जनगणना है उसके अनुसार जो है कुल पशुधन आबादी कितनी है। तो यहाँ पे जो है ये मिलियन में दी गई है, ये सभी जो है मिलियन में है, तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो है कितनी है। तो दोस्तों आंसर से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग सेशन को जो है अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सअप इंस्टा फेसबुक जितना भी आप सोशल साइट यूज़ करते हैं सब जगह इसे फैला दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी जो है इससे फ़ायदा हो। चैनल पे पहली बार आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 535.78 मिलियन, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 20 जो लाइव स्टॉक सेंसेस है उसके अकॉर्डिंग जो है जो टोटल पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की वो है 535.78 मिलियन। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 to 29 दिसंबर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया एज, यानी कि 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक भारत में हर साल मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, ये कौन सा वीक होता है, जय किसान वीक, जय विज्ञान वीक, जय किसान जय विज्ञान वीक या इन्वायरमेंट वीक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन थर्ड होगा राइट आंसर, जय किसान जय विज्ञान जो है वीक के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ हार्वेस्टिंग अ मोनोकॉट क्रॉप बाई कटिंग मोस्ट ऑफ द अबव ग्राउंड पोर्शन बट लिविंग द रूट्स एंड ग्रोइंग शूट एपिस इंटैक्ट सो एज अलाउ द प्लांट्स टू रिकवर एंड प्रोड्यूस अ फ्रेश क्रॉप इन द नेक्स्ट सेशन इज टर्म्ड एज, यानी कि उपरोक्त जमीन यानी जमीन के अधिकांश हिस्सों को काट कर एक मोनोकॉट फसल की कृषि करने की जो प्रथा होती है जो प्रैक्टिस होती है के लिए, लेकिन जड़ों को छोड़ना और बढ़ती हुई सूट एपिसिड बरकरार रहे ताकि पौधों को अगले सीजन में एक नई फसल प्राप्त करने और उत्पादन करने की अनुमति दी जा सके। तो इस पर मैंने अभी एक क्वेश्चन पिछला फ्रेम किया है, वही आंसर इसका भी वही आंसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, रैटूनिंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि नेशनल इनकम इज आइडेंटिकली इक्वल टू, जो राष्ट्रीय आय होती है वो समान रूप से किसके समान होती, किसके इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो है ये जो है एनएनपी के जो है एनएनपी जो होती है तो उसके जो उसका जो फैक्टर कॉस्ट होता है एनएनपी पे जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसके जो है ये इक्वल रहते। तो यानी ऑप्शन सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज इज आर कंडक्टेड बाय NSSO, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण NSSO द्वारा जो है संचालित किया जाता है, सोशल कंजम्पशंस या लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा, ये सभी के सभी जो है NSSO के द्वारा जो किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है इस क्वेश्चन का, इसका जो है पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इस पे मैंने पिछली बार भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया था और आप लोगों को बताया था इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। और अगला जो है क्वेश्चन जो है ये कल का क्वेश्चन है, पिछले यानी प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि एग्रीकल्चर एंड फार्म फ्रेंडली इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे जो है मैंने उस दिन ही बता दिया था कि नीति आयोग के द्वारा ये किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो नीति आयोग है आपका, इसके बारे में थोड़ी सी जो है हम आपको जानकारी दे दें। नीति आयोग जो है आपका ये 1 जनवरी 2015 को जो है ये स्टेबल हुआ, इसको जो है लाया गया। ये किसने इसकी किसकी जगह ली, ये जो है प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था पहले, प्लानिंग कमीशन जो था योजना आयोग, उसकी जगह पर जो है नीति आयोग लाया गया। अब नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग का जो है इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करें तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस क्वेश्चन इसका जो है पूरा नाम है। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसके जो है चेयरपर्सन कौन है, तो जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में चेयरपर्सन हैं। अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो अमिताभ कांत जो है वर्तमान में इनके हैं। तो वहीं पर अगर अब बात यहाँ पर जो है आपका जो है ICR भी आ गया है, उसकी भी अगर कर लेते हैं, तो ICR की अगर बात की जाए तो ICR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ICR की बात करें। और ये जो स्टेबल हुआ 16 जुलाई 1929 को हुआ, और प्रेसिडेंट इसके जो है नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री हैं, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। ये भी आपको यहाँ पे इससे पता चल गया। और जो है अगर अब नाबार्ड की बात कर ली जाए तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है नाबार्ड का, वो है मुंबई में महाराष्ट्र। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ ये जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ, और चेयरमैन है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। और ये अगर एक्ट की बात करें इसके, तो एक्ट इसका जो था वो एक्ट था 1981, ये जो है 1981 एक्ट में जो है लागू हुआ। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो आपको पता है नरेंद्र सिंह तोमर। तो आज का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कॉमेरेट द एनिवर्सरी ऑफ, यानी कि जो किसकी वर्षगांठ पर, यहाँ पे चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार में से किसकी वर्षगांठ मनाने के लिए हर साल कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो वो किसकी जो है एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके पास है आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सेशन बहुत पसंद आया, तो दोस्तों सेशन को लाइक करें और बहुत सारा ढेर सारे इसको शेयर करना है आप लोगों को। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली जो है अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत यानी कि वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।